आराम से बैठिए भाई साहब को माइक दीजिए, बड़ा पीछे हटो भाई। रमजान के महीने में सबको रमजान मुबारक और आने वाले ईद उल फितर मुबारक, ईद के दिन ईद उल फितर ईद का मुबारक भी। सबसे हमारा विनती है कि आप ये ईद के मौसम में, ईद के महीने में जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो भगवान सुनता है। सबसे प्रार्थना करने का हमारा विनती है कि अब राष्ट्र के लिए आप सबके सब दुआ करें और राष्ट्र को अच्छा हो जाए। वंस अगेन सबको एडवांस ईद मुबारक। दुआ हो रही भाई, सब सारे हजरात आमीन कहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना। हमारे वैएस डॉक्टर जहां आजहानी वैएस रायशेखर रेड्डी साहब की खिदमतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनके लायक बाप के लायक बेटे और ग्रेट, उठे हुए हाथ तो अलग अलग हैं, देने वाली जात तेरी अकेली जात है। ऐ अल्लाह हमारे सीएम साहब को खूब तरक्की चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐ अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमा, सारे आलम के एक एक इंसान को हिदायत नसीब फरमा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और जितना मजमा यहां बैठा है सबको हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हक को हिदायत को, ऐ अल्लाह उनके हक की हिदायत की हवाओं को चला दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ आलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पढ़ाई जा रही भाई। भाई 6 मिनट बाकी है, आप लोग आराम से बैठकर दुआ करते रहिए, अपनी इनफरादी दुआ कीजिए मेहरबानी फरमाकर। आप लोग भी खामोशी से बैठे भाई, आप हजरात से भी गुजारिश, खामोशी से बैठे, आप लोग आराम से अपने अपने जगह पर बैठकर दुआ कीजिए। अगर इफ्तारी आप तक नहीं मिल रही है तो बाजू आजू बाजू वाले पास जो मिला है ले लीजिए मेहरबानी फरमाकर, शायद वहां पर देने में तकलीफ हो रही है। आप लोग वहां पर जमा मत कीजिए, और जमा हो गए तो मुश्किल है, क्या नहीं है? आप आराम से बैठ जाइए इंशाल्लाह, बाजू से खजूर ले लीजिए, बैठ जाए। नमाज के टाइम पूरा उधर जाएगा, नमाज के बाद है, नमाज के टाइम औरतों से उधर भाई। यहाँ पर उलमा इकराम बैठे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि उलमा से भी इनको मुलाकात होने दोजिए, आप लोग बैठिए। देखो नीचे से शिकायत आ रही है कि उलमा को आप अलग कर दिए बोलकर, आप हजरात से गुजारिश है आप पीछे हट जाए, मेहरबानी करके शिकायत का मौका ना दीजिए और जिक्र करते रहे भैया हय्या कय्यूम रहमतिका नस्तगीस। भाई आराम से बैठ जाए भाई सभी हजरात, भाई ये जिक्र का वक्त है, मुलाकात नमाज के बाद कीजिए। उस लाइन से बैठा है तो ऐसे आगे बैठ गए, क्या करेंगे, नहीं है वहां वहां आदमी कुछ नहीं है भाई। 3 मिनट बाकी है भाई इफ्तारी के लिए, 3 मिनट बाकी, जो रोजा नहीं है अदबन गुजारिश है कि रोजेदार को हक दे दीजिए मेहरबानी करके, वहां पर लाइन मत लगी है। क्या हुआ भाई, इफ्तार इफ्तार नहीं हो भाई, वहां पानी और इफ्तारी की जरूरत है कहते, देखिए भाई कम से कम पानी का बाटल तो दीजिए, वो लोग रोजा खोल लेते भाई।
हाँ स्टेज पे भी नहीं है, आइए कहाँ है स्टेज पे भाई, जरा चौड़ा होता पीछे चलो जी चलो भाई, उलमा इकराम के पास यहाँ बिठाओ भाई, आप लोग नीचे से शिकायत आ रही है, आप अदब बाजू हटिए। पूरे उलमा चाहिए सब बैठे सो सर, आप आइए ऊपर भाई, उलमा इकराम कम से कम नम भाई, उलमा इकराम को आगे करिए दुआ अभी तक अल्लाह के वास्ते, आप लोग पीछे हट जाइए, आइए यार आओ आओ भाई। मौलाना हाशिम साहब मौलाना गौहर आलम साहब से गुजारिश है कि आगे बाकी जो सियासी हजरात है वो लोग आगे पीछे हट जाए, हमेशा रहते ना भाई, हट जाए चल आओ, जरा बाजू हटो भाई, जरा बाजू हटो भाई, हटो भाई, उलमा इकराम को बैठने दीजिए, अरे सर आप इधर आओ सर, नीचे गिर जाओ बाजू, नहीं आप का वक्त हो गया ना जा रही भाई, अल्लाहुम्म लकसुमतु भाई बाजू हटे, वबिका आमंतु वालैका तवक्कलतु वाला रिस्किका अफ्तरतु फतकब्बल मिन्नी, शुरू कीजिए। डिस्टर्ब नहीं सर का हो जाता, बिहारी मोल दो كمل قارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
वकीना अदाब अन्नार। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह यकीनन जिस मकसद के साथ हम आज इफ्तार की दावत में शरीक हुए हैं, या अल्लाह हमारे सीएम साहब को कबूल फरमा ले, उनके जान में, माल में, इज्जत में खूब बरकतें नसीब फरमा, उनके घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा हुक्मरान बना दे, मांगी है। उनमें हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। जिन शरूर व फितन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, उन तमाम से हमारी सारे आलम के अल्लाह इंसानों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली